क्या आप ये बात जानते हैं कि हर साल चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी चांद हर साल पृथ्वी से दूर हो रहा है और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, तो आप बोलेंगे मैं जानता हूँ, माउंट एवरेस्ट। तो मैं बता दूं, अगर आपका जवाब ये है तो आपका ये जवाब पूरी तरह से गलत है, आपका ये जवाब बिल्कुल रॉन्ग है। और हाँ, मैं ये सब बात बस ऐसे ही नहीं कर रहा, मैं इससे प्रूफ करूँगा। और इस वीडियो के अंत में मैं ये भी प्रूफ करूँगा कि एक समय ऐसा भी था जब इस मार्स पर, जो हमारा फोर्थ प्लैनेट है, यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती थी। मैं आपका भाई यानी गूगल हाईटेक आपके सामने 10 ऐसी टॉप टेक लेकर आया हूँ जो आपने शायद ही कहीं सुना होगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले और सबसे पहला वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टेक नंबर 10। क्या आप ये बात जानते हैं कि हर साल ये जो मून है ना, हमारा चांद और इस पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ रही है। हर साल चांद 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है और ये चांद पृथ्वी से दूर होता ही चला जा रहा है। हैरान हो गए ना, लेकिन ये बात 100% सही है। टेक नंबर 9। क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे तेजी से रोटेट करता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे तेज घूमती है? तो मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ये स्टार एक सेकंड में लगभग 500 रोटेशन करती है। यह दुनिया की सबसे तेज रोटेट करने वाली ऑब्जेक्ट है। वाह। टेक नंबर 8। क्या आप जानते हैं ये हमारी जो पृथ्वी है, इससे सबसे नज़दीकी ब्लैक होल मात्र 1000 लाइट ईयर्स दूरी पर है। और आपको पता ही होगा कि ये ब्लैक होल जो होता है वो किसी को भी नहीं छोड़ता, वो सबको अपने अंदर ले लेता है, चाहे वो एक स्टार ही क्यों ना हो। तो ये अर्थ का क्या होगा, आप खुद सोचिए। टेक नंबर 7। हमारे इस अर्थ पर हर दिन तकरीबन 20 मिलियन मीटोराइट्स आते हैं, लेकिन उनमें से मात्र एक या दो ही हमारे अर्थ के इस सरफेस तक पहुंच पाते हैं। टेक नंबर 6। हमारे इस यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लैनेट भी है जो मात्र 10 दिन में ही अपने सन का रोटेशन कंप्लीट करता है, और इस प्लैनेट का नाम है स्विफ्टर। यानी कि जब हमारे अर्थ पर एक साल 365 दिन में आता है तो यहाँ मात्र 10 दिन। और आप इस प्लैनेट की गर्मी के बारे में सोच ही सकते हो। टेक नंबर 5। हमारे इस यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लैनेट भी है जो कहीं भी घूम सकता है, यानी इसका कोई अपना फिक्स्ड एक्सिस नहीं होता है, और ये प्लैनेट किसी भी प्लैनेट से टकरा सकता है, और इस प्लैनेट का नाम है रियोक प्लैनेट। टेक नंबर 4। अगर आपका मन कभी स्पेस में जाने का करे तो मैं बता दूं, अगर आप स्पेस में जाते हो तो आपकी हाइट पहले से बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी ये जो दिल की धड़कन है ना, ये धड़कन ये स्लो हो जाएगी। मतलब हार्ट बीट जो होती है ना यूनिवर्स में, स्पेस में जाने के बाद स्लो हो जाती है। टेक नंबर 3। क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे सन से जो एनर्जी निकलती है
वो पृथ्वी तक कितनी पहुंचती है? तो मैं बता दूं, 1/1 बिलियन। यानी कि अगर सन से 1 जूल एनर्जी निकलती है तो पृथ्वी पर मात्र 0.00000000 एनर्जी ही पृथ्वी तक पहुंच पाती है। टिक नंबर 2। अगर आपका मन कहीं दूर जाने का करे, तो अगर आप सोचें कि मैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस या नेपच्यून पर जाऊं, तो मैं बता दूं, आप वहां चले तो जाएंगे, लेकिन आप वहां खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये पूरे के पूरे गैस के बने हुए हैं। यहाँ खड़े रहने के लिए कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। टेक नंबर 1। ये जो मार्स है ना, हमारा 4th प्लैनेट मार्स, क्या आप इस बात को जानते हैं? इसका पूरा का पूरा सरफेस Fe2O3 का बना हुआ है। OMG, आप जानते ही होंगे ये Fe2O3 क्या होता है। इसे जंग कहते हैं, और ये तभी बनता है जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों एक साथ उपस्थित हो। तो इससे ये पता चलता है कि एक समय ऐसा भी था जब मार्स पर लाइफ हुआ करती थी। और हाँ, मैं हर 2 दिनों पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ। सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।